नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी तथा किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। डायलिसिस में जो एंड स्टेज रिनल डिजीज केसेस होते हैं, वो हफ्ते में 2 से 3 बार उन्हें डायलिसिस सेशन के लिए जाना पड़ता है, जो कि 4-5 घंटे का सेशन होता है। तो उनकी डे टू डे लाइफ, वर्किंग, हर चीज़ हैम्पर होती है। किडनी ट्रांसप्लांट का मरीज बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है, बस इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, तथा जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ चलाई जाती हैं उनमें विशेष ध्यान रखना होता है कि उनको नहीं छोड़ना होता है, जो कि सिंपल खाने की गोलियाँ होती हैं और उनको खाते हैं। और उनका काम बेसिकली इतना होता है कि बॉडी जो दूसरे व्यक्ति के शरीर से आई किडनी हमें लगाई गई है उसको रिजेक्ट ना करें, और वो किडनी की लाइफ शरीर में बढ़ाती है।